हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पीके वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट जो भी हमने अमीनो एसिड लेते हैं उसमें आर ग्रुप अगर वो ट्राई प्रोटिक हैं तो क्या होगी, और अल्फा कार्बोक्सिलिक और अल्फा अमीनो एसिड की क्या होगी, क्योंकि उसी पीके वैल्यू से अबव अगर हमारा पीएच वैल्यू हो जाएगा जिस भी मीडियम में हम प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, तो वो क्या करेंगे, प्रोटोनेट या डी प्रोटोनेट होंगी। तो उसको देख लेते हैं। जैसे हम ले रहे हैं कि हमने सीरीज़ में लिख दी है, बट ये थोड़ी बहुत फ्लक मतलब वेरी कर सकती है। 2.09 पर भी समटाइम ये गिवन करता है अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक, और कुछ केसेस में हम बोलेंगे कि वो गिवन भी होता है कई बार क्वेश्चन में। तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया, एक सरफेस वैल्यू ले ली कि हाँ इतने के अबव अगर हमारा क्वेश्चन में होगा तो हम उसको डी प्रोटोनेट या प्रोटोनेटेड फॉर्म में रखेंगे। तो अल्फ़ा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है उसके लिए हम 2 से अबव अगर उसका पीके वैल्यू जाएगा, पीएच जाएगा, तो वो क्या कर देगा, हमारा डी प्रोटोनेट हो जाएगा, मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद अगर हम बोलें कि बीटा कार्बोक्सिलिक है, जैसे एस्फार्टिक के केस में, इसलिए हमने सिंगल लेटर कोड लिखा है डी, 3 के अबव, इसी तरह से उसमें होता है हमारा ग्लूटामेट में गामा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो 4। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट की लिख दी, अल्फ़ा अमाइनो एसिड के केस में 8, ये अल्फ़ा और हमारा अल्फ़ा कार्बोक्सिलिक और अल्फ़ा अमाइनो, ये हमारा डाइप्रोटिक के केस में भी वेरी मतलब सेम रहेगा कि इससे ऊपर पीएच बढ़ाने पर ये लोग क्या कर देंगे, ये हमारा डी प्रोटोनेट हो जाएगा और ये भी हमारा डी प्रोटोनेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यूज़ हो जाएंगी मोर और लेस ट्राइप्रोटिक के केस में, और अल्फ़ा के केस में ये इस तरह से होंगी। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, या फिर हम बोलेंगे कि COH टर्मिनल है, और जो ट्राइप्रोटिक एसिड है उनके केस में जो हमारे कार्बोक्सिलिक ग्रुप कंटेनिंग ग्रुप है, या फिर टायरोसिन हो गया वो और सिस्टीन हो गया, वो कंट्रीब्यूट करते हैं नेगेटिव चार्ज जब उनका पीएच वैल्यू हाई हो जाता है उनके पीके से। मतलब जैसे ही हम पीएच रेस करेंगे उनके पीके से, सपोज़ इसके लिए 2 है, तो जब हमने पीएच रेस कर दिया 2 से ऊपर लेगा तो ये क्या हो जाएगा, डी प्रोटोनेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा। बट अगर एन टर्मिनस और हम बोले कि बेसिक जो हमारे अमाइनो एसिड है वो पॉजिटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करते हैं, तब तक जब तक उनका पीके वैल्यू सेफ है, मतलब कि पीएच इतना ज़्यादा नहीं हुआ कि वो डी प्रोटोनेट हो जाए, क्योंकि डी प्रोटोनेट होने पर वो 0 चार्ज का कंट्रीब्यूशन करेंगे, और जब तक डी प्रोटोनेशन नहीं हो जाता है वो, तब तक क्या है, पॉजिटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करेंगे। सो इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो माइनस चार्ज हमारा कंट्रीब्यूट करेगा, जो हमारा टायरोसिन है उसमें भी माइनस चार्ज कंट्रीब्यूशन शो करेगा, सिस्टीन भी, बट कब तक, जब तक उनका पीएच अटेन नहीं हो जाता, पीके वैल्यू से ऊपर नहीं हो जाता पीएच। जैसे ही पीके वैल्यू से ऊपर हो जाएगा तभी वो नेगेटिव चार्ज करेंगे, ऑल दो अगर हैं पीएच उनका पीके से कम है तो वो 0 चार्ज कंट्रीब्यूशन करेंगे और डी प्रोटोनेटेड हो जाएंगे इस वैल्यू पे। इसी तरह से बेसिक के केस में हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा जब तक उसका पीके हम बोलेंगे कि पीएच से ज़्यादा नहीं है, मतलब पीएच हमारा कम है और पीके ज़्यादा है, तो तब तक वो क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज करेगा। अगर पीएच हम बढ़ा देते हैं, बहुत ज़्यादा कर देते हैं, पीके वैल्यू अटेन हो जाता है, तो वो 0 चार्ज कंट्रीब्यूशन करता है इन केस ऑफ बेसिक अमीनो एसिड HRK। और DECY के केस में हमारा क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा जब हमारा पीके वैल्यू से हमारा पीएच ज़्यादा हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन इसी बेसिस पर सॉल्व करके। थैंक यू।